एक दुनिया जहां एक वायरस ने अपने कदम रख दिए हैं, जिससे पूरा प्लेनेट दहशत में है। जहां एक फाइटर उठता है जो अपनी लिमिट्स को पार कर देता है। बट प्लेनेट बहुत बड़े खतरे में है। हमें अपने घरों को बचाने के लिए जल्दी उन्हें बुलाना होगा। सभी परमेंस अपने आप को उस बड़े खतरे के लिए तैयार करते हैं, पर लक्ष्य से पहुंचने से पहले ही एक बड़े ट्रेजेडी का वार हो जाता है। पीछे हटो, हमें इसे फैलने नहीं देना है। हाँ, पाको नहीं। क्या पाको हमसे हमेशा के लिए दूर चली गई? क्या इसके बाद परमेंस प्लेनेट को बचाने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर अंधेरा उन सबको निकल जाएगा? पृथ्वी पर एक सुहावना दिन था और हमेशा की तरह सभी परमेंस एक साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे। सारे परमेंस आसमान में उड़ते हुए एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। आसमान एकदम साफ और नीला था। चिड़िया चहचहा रही थीं और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। पाको परमेंस से कहती है, तुमने एक छोटी सी किटी को बचाया है और तुम इतना उछल रहे हो। तुम तो एकदम बच्चे ही हो परमैन। यार देखो पाको, किसी न किसी को तो इस किटी को बचाना ही था, और मुझे पता है तुम मुझसे जल रही हो। मैं और तुमसे जलूंगी? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? बूबी और पायान इनकी लड़ाई को देख परेशान हो जाते हैं। अचानक से बर्डमैन वहां जाते हैं। उनके चेहरे पर एक निराशा थी। वो कहते हैं, परमेंस बर्ड प्लेनेट में हालत बहुत बुरी हो गई है। सभी परमेंस बर्डमैन से पूछते हैं, आखिर बर्ड प्लेनेट पर ऐसा हो क्या गया है जो आप भी संभाल नहीं पा रहे हैं? वो जवाब देते हैं, एक भयानक बीमारी ने बर्ड प्लेनेट में आतंक मचा रखा है। तुम सोच भी नहीं सकते बर्ड प्लेनेट की कितनी बुरी हालत हो गई है। बीमारी? कैसी बीमारी? अगर आप भी इस बीमारी का सामना नहीं कर पा रहे, इसका मतलब मामला बहुत बड़ा हुआ है। अब यहाँ बर्डमैन बोलते हैं, हाँ, एक ऐसी बीमारी जो लोगों को माइंडलेस क्रीचर में बदल रही है, लाइक ज़ॉम्बीज। तुम अपनी ग्रह की भाषा में बोलो तो, उन्होंने हमारे शहर पर कब्जा कर लिया है। शहर के ऑलमोस्ट सारे लोग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। ये डिजीज़ हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता जा रहा है, और पूरा बर्ड प्लेनेट दहशत में है। ना तो इसका कोई तोड़ हमें समझ आ रहा है, और ना तो ये पता है कि हम इसका सामना कर भी पाएंगे या नहीं। क्या ज़ॉम्बीज? ये तो पागलपन है। हाँ, ये सच है पाको। मेरे सेंसर्स एक अलग से ही बहुत तेज़ी से फैलने वाले वायरस को डिटेक्ट कर रहे हैं। धरती की एक्सपर्टीज ही अब हमारी आखिरी उम्मीद है। तुम लोगों को मेरे साथ बर्ड प्लेनेट चलना होगा। वायरस के फैलने की वजह से हमारे सारे बर्डमैन एंड बर्ड वुमेन सोल्जर्स बनकर उन वायरस से लड़ रहे हैं। और हमें कहीं से एक ऐसी खबर मिली है कि बर्ड प्लेनेट में एक लैब है जहाँ पर हमें इस वायरस के बारे में कुछ इन्फो मिल सकती है। और मेरा वहाँ तक अकेले जा पाना तो क्या, वहाँ मेरा जिंदा बच पाना ही बहुत मुश्किल है। हम एक साथ मिलकर उस लैब तक जाएंगे और एक साथ मिलकर उन ज़ॉम्बीज का सामना भी करेंगे। बर्डमैन अर्थ में लोकेटेड हेडक्वार्टर में कॉन्टैक्ट कर देते हैं, और वहाँ प्रोफेसर ज्यूस, जिनकी मेडिकल में एक्सपर्टीज है, उन्हें पूरी सिचुएशन समझा देते हैं। बूबी और पायान डिफेंस स्ट्रेटजी पर काम करने लगते हैं। पाको परमैन को एक साइड पर ले जाती है। उसकी आंखों में हिम्मत की झलक थी। अब यहाँ पाको मित्सो से कह रही होती है, मित्सो वहाँ ध्यान से फाइट करना, ठीक है? मुझे ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लग रही है, अपना ध्यान रखना, ठीक? परमैन कहता है, ये तुम एकदम से क्या हो गया पाको? मैंने तो मैं ऐसा पहले कभी नहीं देखा। पर हाँ, तुम सही कह रही हो, हम ये कर सकते हैं। बर्डमैन सभी को बायो हैजार्ड सूट्स और एडवांस हथियार प्रोवाइड करते हैं। सभी परमैन स्पेसशिप में बैठकर बर्ड प्लेनेट के लिए निकल जाते हैं। तो मेरी बात जो भी सुन रहा है, यानी कि उसको ये एपिसोड अच्छा लगा है, यार अच्छा लगा है तो यार वीडियो को जल्दी से जाके अभी लाइक कर दो, और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार कर दो यार। मेरे चैनल द ए स्टोरीज को भी और इन्फर्नो आर्कनाइट के चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर देना। उसके चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से सीधा आप उसके चैनल पर जा सकते हो, और वहाँ पर भी ये वीडियो अपलोडेड है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो यार पूरा सपोर्ट चाहिए यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इंटरवल को यहीं ख़त्म करते हैं, ये मानकर कि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया है और वीडियो को भी लाइक कर दिया है। बाकी मुझे आप पर तो ट्रस्ट है ही। अब यहाँ बर्डमैन अपनी स्पेसशिप पूरी तेज़ी से उड़ा रहे होते हैं। कुछ समय बाद वो सभी बर्ड प्लेनेट पहुँच जाते हैं। अब यहाँ बर्डमैन कहते हैं, अब हमें उस लेबोरेटरी तक पहुंचना होगा। बर्डमैन अपने स्पेसशिप का बूस्ट ऑन कर देते हैं और उसे एक वेपन के रूप में बदल देते हैं। वो अपनी स्पेसशिप से ज़ॉम्बीज पर फायर करते ही जाते हैं, और उनके सामने जो भी ज़ॉम्बीज आ रहा था वो बच नहीं रहा था। पर तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा क्रीचर आ जाता है, जिससे बर्डमैन की स्पेसशिप टकरा जाती है,
और सब स्पेसशिप के साथ नीचे गिर जाते हैं। बट प्लैनेट जो कभी एक शांति भरा प्लैनेट हुआ करता था, आज बिल्कुल उल्टा है। लोग बेहोशी की हालत में चल रहे हैं, हवा में लाशों की बदबू फैली हुई है। ये तो बहुत भयानक मंजर है। हमें जल्द से जल्द इस वायरस के सोर्स को ढूंढना होगा। तभी वहां पर वही बड़ा सा क्रिएचर आ जाता है जिससे बर्डमैन की शिप टकराई थी। वो अपने साथ ज़ॉम्बीज का झुंड लेकर आता है। सारे परमैन्स एक्शन में आ जाते हैं। उन नए सूट्स की मदद से उनके स्टैट्स काफी बढ़ गए थे। उनकी स्पीड, वाइटलिटी, स्टैमिना, स्ट्रेंथ सब एकदम पीक पर पहुंच चुका था। सभी परमैन्स उस लड़ाई में पूरी जान झोंक देते हैं। बूबी और पायान डिफेंस का काम कर रहे थे। वो स्पेसशिप को बचाने के लिए अपनी पूरी जान झोंक देते हैं। बर्डमैन लगातार स्पेसशिप से उन ज़ॉम्बीज पर फायर करे जा रहे थे, लेकिन वो ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा ही थे। बर्डमैन और पाको दोनों ही बर्डमैन की उन ज़ॉम्बीज से लड़ने में मदद कर रहे थे, क्योंकि अगर स्पेसशिप को कुछ भी हुआ तो उनका लैब तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो बड़ा सा ज़ॉम्बी क्रीचर पायन और बूबी का डिफेंस तोड़ पाको की तरफ बढ़ जाता है। बर्डमैन और बर्डमैन दोनों उस पर बहुत सारे हमले तो करते हैं, पर उस पर कोई भी असर नहीं होता। और फिर वो क्रीचर पाको पे जोर का पंच मार देता है, जिससे जो पाको है वो बहुत दूर जाकर गिरती है। बर्डमैन जोर से पाको चिल्लाता है और उसकी तरफ भागने लगता है, पर वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज बर्डमैन का रास्ता रोक देते हैं। पाको को उस नए सूट के कारण ज़्यादा चोट तो नहीं आती, पर तभी पाको पर एक सुपर फास्ट ज़ॉम्बी अटैक करता है। पाको भी उस पर अटैक करती है, पर जो पंच है वो ज़ॉम्बी डॉच कर लेता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी पाको के बाजू पे अपने नाखून गाड़ देता है। पाको उस ज़ॉम्बी को अपने ऊपर से हटाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो ज़ॉम्बी टस से मस नहीं होता है। पाको बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उस चिल्लाहट को सुनकर परमैन रेज में आ जाता है, और वो भी ज़ोर से चिल्लाते हुए पाको की तरफ भागता है, और उसके रास्ते में जो भी ज़ॉम्बीज आते हैं उन्हें वो लात घूसों से दूर पछाड़ देता है। परमैन पाको की तरफ मत जाओ। पर जब तक परमैन पाको तक पहुंच पाता, वो ज़ॉम्बी पाको पे बहुत सारे हमले कर चुका था। वो पाको के पास जाता है। परमैन कहता है, पाको तुम ठीक हो? मुझे पता है तुम ठीक हो। पर पाको के एक्शन तो कुछ और ही बता रहे थे। क्या पाको सच में ठीक है, या फिर वायरस उस पर चढ़ चुका है? पाको का अब क्या होगा? तो जानने के लिए देखते रहिए परमैन सीरीज द वायरस एक्स। Because my soldiers do not buckle or yield when faced with the cruelty of this world. My soldiers push forward. My soldiers scream out. My soldiers rage.